करके गावा गावी मची हुई है कि वीडियो अभी तक कहाँ था। तो क्या इस वीडियो को आप देखे, और अगर आप देखे हैं तो क्या देखिए वीडियो तो हम देखे ही हैं, हाँ, और कहीं ना कहीं वीडियो देखने के बाद हम हमेशा कड़वा सच बोलते हैं, समझे? बिल्कुल बिल्कुल। हमारा का नाम है कि सबसे पहला बात क्या है कि आकांक्षा दुबे की गलती यहाँ पे क्या है कि उसने प्यार किया। प्यार करना ही जुर्म है, बहुत बड़ा। अरे भैया, माता पिता जो है अगर आपका अरेंजमेंट कराते हैं, शादी उदी कहीं से बढ़िया जगह कराते हैं, तो वो एक बढ़िया बात है। बिल्कुल। एक 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 वो व्यक्ति होते हैं जो कामयाबी के पीछे भागते हैं, तो कामयाब ना होइए जी। जी बिल्कुल। प्यार मोहब्बत क्या है? सेक्स है, उसके अलावा कुछ है क्या? कुछ नहीं। ठीक है, तो हमको तो पहले आकांक्षा दुबे जी पे ये थोड़ा लग रहा है कि अगर आप बहुत हौसला मजबूत लड़की थी, आपको बहुत आगे जाने का बहुत ये था कि भैया हमको अपना कुछ बनाना है, तो आपने प्यार क्यों किया था? प्यार नहीं करना चाहिए आज के डेट में, लोगों को प्यार नहीं करना है। प्यार से बहुत तो बस होता है, प्यार लड़के लड़कियों के बीच में तो बस में नहीं होता है ना, इस पे तो किसी का बस नहीं चला है। नहीं नहीं चला है, काहे नहीं? देखिए ना, आरती छोटू का चला ना गुरु, मरवा दिल की ना आरतीया, पैसा कमाई थी ना, आज ले गए दो कट्ठा जमीन ले लेकिन बढ़िया जगह पे। हाँ, लेकिन उस पर भी तो प्यार को लेकर के सवाल उठे थे कि कैसा प्यार आपके मीना, उन्होंने कहा था कि ये कौन सा प्यार था कि 6 महीने के अंदर ही मतलब प्यार का भूत उतर गया है और दूसरे से शादी रचा ली। बहुत अच्छा है, हम तो प्रेरणा मिला है जो भी प्यार करने वालों का, हम तो आरती छोटू को सलाम करते रहे कि बहुत अच्छा है, आज के दुनिया में जो आपने दिखाई यही प्यार है। और हम बहुत, हमें खुशी होती है ऐसे लोगों को प्यार पे, क्योंकि प्यार का मतलब सेक्स है, आत्महत्या है, बलात्कार है। बस समर चौधरी इस बात को मानते हैं क्या कि जो आकांक्षा दुबे और समर के बीच भी इस तरह का कुछ था रिश्ता? देखिये, जो भी था रिश्ता तो उसका अंजाम मिल गया, आपको चीज चाहिए क्या होना चाहिए, क्या लगता है आपको, आपको क्या लगता है कि अरे भैया मेरे यहाँ दुनिया का इतना बड़ा जालिम दुनिया, जो छोटू को जो परिवार ने मारा, क्या उसको फांसी मिल गया? परिजनकों को फांसी मिला? नहीं मिला। जो बुलवा के मरवा दी, क्या उसको फांसी मिला? नहीं मिला। उसको क्या मिला? उसको और मजा लेने के लिए उसके भाई से शादी कर दिया गया, यूट्यूब पे वीडियो बनाने लगी, पैसा कमाने लगी, दिल कमाने लगी। मन है, दुनिया का सबसे बड़का चुतिया लड़के लोग होता है, लड़की लोग नहीं होती है। नहीं, तो हम तो यही कहते हैं कि भैया अपना हाथ जगन्नाथ, जितने मेरे भाई लोग वीडियो देख रहे हैं, कृपया प्यार प्यार के चक्कर में मत पड़िए, अपना हाथ जगन्नाथ समझ रहे ना। बट वही बढ़िया है जी, और लौंडिया उंडिया के चक्कर में मत रहिए, तो ही बढ़िया है। और जितने बहन लड़की लोग हमारी वीडियो को देख रही है, तो आपका एक समीर चौधरी भाई जो है बेबाक बोलता है, यही कहेगा कि आप लोग भी प्यार मोहब्बत के चक्कर में मत पड़िए, माता पिता के चलते हुए राह पे चलिए। दोस्त अलग है, वो एक होता है ना फ्रेंडशिप, तो ये सब बहुत बढ़िया है, ये दोस्त जीवन में रहना चाहिए। लेकिन ये जो सेक्स के चक्कर में प्यार करते हैं, पैसा के चक्कर में प्यार करते हैं, ये नहीं है। उस प्यार का अंजाम दो लोगों ने दिखा दिया, आरती छोटू और अभी आकांक्षा दुबे जी के जो देख रहे हैं। लाइफ में रो रही है ना, रो के क्या बोल रही है कि मेरे मरने का या फिर मुझे कुछ भी होता है तो इसके जिम्मेवार होंगे समर सिंह। बिल्कुल। तो समर जी, या समर सिंह, इसे किस एंगल से देखें, क्या ये प्यार करने का अंजाम समर भुगत रहा है या फिर आकांक्षा दुबे भुगत चुकी है? नहीं, वो तो भुगत चुकी ना भैया, छोटू क्या भुगत रहा, छोटू तो भुगत लिया बेचारा, वो तो आंख मूंद के गया था अगले के पास, रतिया में काहे लगे ले से सब जाने ही थे, समझे ना? मिला भी नहीं, मिला क्या, तो मौत मिला उसको, चलिए तो नहीं है इसमें। तो साफ तौर पे देखा जा रहा है कि वो रोती हुई तड़पती हुई नजर आ रही है, उनका तो पूरा फोकस यही है कि समर सिंह दोषी है। ऐसे कंडीशन में अपना भोजपुरी इंडस्ट्रीज कहाँ जा रहा है? भोजपुरी इंडस्ट्री कहीं नहीं जा रहा, सब यहीं पे है ना। तो लोग जो सोचते हैं कि भोजपुरी इंडस्ट्री नया तरीके का कोई पॉर्न साइट आ गया है, जैसे www.sexy.com आता है ना, तो भोजपुरी पे choli.com हो गया, dhoni.com हो गया है। लोगों को जिसकी मानसिकताएं खराब है उनको ये लग रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर आपके पिताजी अगर
अगर कुछ अश्लील बोल देते हैं उसका मतलब ये नहीं कि आपका पूरा मतलब परिवार ही खराब है, कुछ होते हैं ऐसे लोग। बिहार को सुधारने के लिए तो खास करके है कि बिहार से ही इस तरह की तस्वीरें सामने आती हैं, बिहार इसे बढ़ावा दे रहा है, तो क्या ऐसा लगता है सिमरन जी इस बात को मानते हैं कि नहीं बिहार से ही सब उत्पन्न हो जा रहा है, अश्लीलता की बात करें या फिर इस तरह की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, क्या ऐसा है क्या? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बिहार में भी देखिए अश्लीलता पे नियम नहीं था, नियम लग गया बिल्कुल। लोग आए मगहिया जवान से लेकर आंडू पांडू रंगा जितने भी थे डांडू टाइप के लोग सब आए यहाँ पे, सब आके क्या कि यूट्यूब पे वीडियो बना रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, व्यूज बटोर रहे हैं, एक दूसरे का माई बहन को गाड़ी दे रहे हैं। समीर चौधरी ने कभी किसी के माँ बहन को गाली नहीं दिया क्योंकि सबकी माँ को अपना चाची समझा है, सबके सामने बोलते हैं, लाइव आकर के बोलते हैं, बीच चौराहे पे बोलते हैं, इसी पे बाकी का तो भाई सभी लोग दीवाने हैं आपके समीर जी, आप जो कहते हैं सामने कहते हैं। और अभी 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 हमारी इस कार्यक्रम में भी आपने कहा था कि कुछ सब और अगर आप लगे तो माफ करिएगा, लेकिन मैं जो बोलता हूँ साफ सामने बोलता हूँ, तो इस बात में तो है भाई। तान्या झा वगैरह आपके यहाँ का जो गायक है वो तमाम दो अर्थी गाना बताती है कि दो अर्थी गाना होता है, तुम्हें समझ में नहीं आता है, तो क्या कहेंगे उनके बारे में समीर चौधरी? देखिए ऐसे लोगों को खुद समझ में आ जाएगा आने वाले कुछ समय में, ये सब बहुत जाके देवी जो थी परवल बेचे जाए भागलपुर या फिर शारदा सिन्हा या फिर और भी अन्य ऐसे भी कलाकार हैं कि इन लोगों का लेवल नहीं लग सकता इन लोगों के ऊपर, ठीक है। ये लोग आने वाले समय में एक तूफानी लाल है टाइप का कोई सिंगर है और गुड्डू रंगीला टाइप का भी एक कोई सिंगर है, ये सब अश्लील व्यक्ति लोग है, तो कहीं ना कहीं ये लोग आने वाले समय में गुमनामियों की किताब में इसी तरह के खो के रह जाएंगे, ठीक है। आज देखते हैं शारदा सिन्हा दीदी जहाँ जाती हैं तो भैया उनसे आदमी कैंडल जलवाता है, फूल का हार पहनाता है, और ऐसे ऐसे जिनका आप नाम ले रहे हैं ये सब गायक अगर कहीं जाए तो इन लोगों को कॉन्डोम का माला पहनाया जाए, क्योंकि अरे भैया डबल मीनिंग जब गनवे गा भाई तो क्या देगा कि भैया बैलू हो भाई जी, तो गलत है ये सब, तो गलत है भैया। और मैंने कभी किसी के माता पिता को गाली नहीं दिया है, और जो अश्लील करता है उसको समीर चौधरी रेलने में नहीं छोड़ता है भैया, जब तक रेलेंगे नहीं जब तक छोड़ेंगे नहीं। अच्छा एक बात जानना चाहेंगे समीर जी, अभी कुछ देर पहले जब आकांक्षा का मामला जब सामने सुसाइड जब केस सामने आए थे 26 मार्च के बाद, तो आपने एक बार आकांक्षा जी के पक्ष में विपक्ष में आकांक्षा के मतलब आकांक्षा जी को आपने बहुत तमाम, लेकिन कुछ ही दिन बाद आप समर का पुतला जलाते हैं और फिर आकांक्षा की माँ से बातचीत करते हैं, तो ये थोड़ा सा हमारे दर्शकों को समझाइए उस वक्त क्या हुआ था, ऐसा मन में क्या आया था कि समीर भटक गए थे? देखिए हुआ क्या कि आकांक्षा दुबे हमारे साथ फिल्म में काम की थी और कहीं ना कहीं काम की थी तो व्यक्तिगत रूप से मैं उन्हें जान चुका था, और वही होटल वाला जिस प्रकार बोला कि शराब पीते तो मैंने भी बोल दिया गंजेरी है ये है वो, मतलब सच बोला मैंने, झूठ नहीं बोला था। आज भी मैंने हर वीडियो में आप देख सकते हैं कि मैंने बोला कड़वा सच जो कि बोलना नहीं चाहिए था। समीर चौधरी लाख आज बुरा बोल रहा है लोगों को और सच्चाई दिखा रहा है, आईना दिखा रहा है, अगर हम मर जाते हैं तो लोग तो कहेंगे कि चलो खुश था लेकिन बोलता ठीक था सच बोलता था। तो कहीं ना कहीं हमें थोड़ा सा ये लगा दिल में कि भाई मैंने जिसके बारे में बोला आज वो समाज में है ही नहीं, तो उसके लिए फिर मैंने माफी भी मांगा समाज के लोगों से। समाज तो ये कोई त्रिपाठी झाटू टाइप का आदमी था, त्रिपाठिया ये बनारस का है, लेकिन ये सबको जी नहीं बोल सकते हम क्योंकि औकात नहीं है इन लोगों के हमारे मुंह से जी सुनने की, क्योंकि मानसिकता देखिए जिसके घर में विपत्ति आई हुई है जिसके बेटी स्वर्गवास हो गई है और ये बोलता है वहां पे बैठ के कि अरे समीर चौधरी तू ज्यादा बोलेगा तो साले तेरे से भी 3 करोड़ मांगूंगा, हम तो सोच रहे हैं कि एक बाप बनिया से 1 करोड़ नहीं देखा होगा 3 करोड़ हमसे मांगेगा, अब बिहार का लौंडा है हम, इसको समझ में नहीं आता हमने कौन है और कहा है। तो भैया मेरे त्रिपाठी ने इनकी केस को दबाने का काम किया, त्रिपाठी विपक्ष लोगों के कहे जाने पर इनके यहाँ धरना प्रदर्शन पे बैठा रहता था आके, तो कहीं ना कहीं फिर हमारी उनकी मतलब देखिए उनकी माता जी भी और ये लोग भी आदमी सही नहीं थे, ठीक है। इसलिए बोल रहे हैं हम कि जब हम भैया माफी मांग लिए तो इसका भाई गाली दे रहा है, इसकी माँ गाली दे रही है, जब हम यूपी पहुंचते हैं वहाँ जी
जीटी रोड है वहाँ पे टोल टैक्स से पहले हम लोकेशन पता करने के लिए फोन किए तो गाली से स्वागत किया जा रहा है। तो हम कहे कैसी माता है भाई, मानसिकता देखिए इन लोगों की, गाली गलौज कर रहा है। सलाह आप आए हैं समीर जी, किसने गाली आपको दिया था? समीर चौधरी को किसने गाली दिया था? आकांक्षा की माँ या त्रिपाठी जी की बात कर रहे हैं? उसका भाई दिया था, त्रिपाठिया दिया था, उनके माता जी भी थी। अच्छा, हालांकि आपने तो उसके पहले वीडियो जारी करके माफी मांग चुके थे। वही बात होता है ना, जब लोग अगर माफी मांग लेते हैं तो बढ़िया बात है। तो अब इन लोगों को क्या लगता है, मानसिकता देखिए, मानसिकता खराब होते हैं ऐसे ऐसे व्यक्तियों का। तो फिर कुछ समय के बाद इन्होंने हमसे बातचीत किया, फिर कुछ समय के बाद इन्होंने कहा कि चलिए बेटा चलो ठीक है। नहीं, वो भी इन लोगों को पता चल गया ना कि देखो समीर चौधरी को हौले में मत लो भाई। हाँ, समीर को जो भी बोलते हैं तो समीर आग लगा देता है पूरा बुरी तरह से। अब भैया 3 करोड़ का जो मांग किया इन लोगों ने, तो इससे दुनिया समझ गया कि ये लोग पैसा का प्रोपोगंडा चला रहा है। ये लोगों को इंसाफ नहीं चाहिए। अगर इंसाफ चाहिए होता तो सिर्फ इंसाफ की बात करती, तो इंसाफ छोड़ ये लोग डायरेक्ट 3 करोड़ मांग रहा है। देखा कि भैया 3 करोड़ रुपए वो नहीं आवेगा, बेटी के इंसाफ भी नहीं होगा, इससे अच्छा है कि अब हम पलटी मार जाते हैं। तो माता जी हमसे बात उसकी माफी उफी मांगी और हमने माफ कर दिया है गुरु, हम वो व्यक्ति नहीं है। त्रिपाठी की बात करें, उनकी बेटी की बात करें, तो क्या इंसाफ लड़ रहे हैं कि पैसे के लिए लड़ रहे हैं? समीर चौधरी इसे किस नजर से देखते हैं? अब तो जहाँ तक परसों के बाद अभी न्यूज वालों में देख रहे हैं कि वो बोल रहे हैं कि हमको पढ़ा लिखा नहीं थे तो हमको नहीं पता कि क्या बोलना चाहिए था, कितना बोलना चाहिए था। मैंने 1.5 लाख नहीं 3 करोड़ बोलना चाहिए था। तो बोल रहे थे कि हमारा एगो बड़का को बिल्डिंग खरीद दिया, यही ना होता है करोड़ और इन लोगों को फर्क नहीं पता। हम तो बोल रहे थे 3 करोड़ जो कर रहे हैं 1 लाख का 10 टकिया दे देंगे तो अलबल आ जाएगा, मर जाएगा गिरते गिरते। तो क्या इसे माना जाए, बात को समझ आकांक्षा की माँ नहीं बोल रही, कोई और बुलवा रहा है उनसे? नहीं, वही बोल रहे हैं, कौन बुलवा देगा, कोई नहीं बोल बातें कर रही हैं। पार्टी बदल लिया है इन लोगों ने। अच्छा, पार्टी बदल लिया तो कोई दिक्कत नहीं भैया। हम समीर चौधरी हमेशा आकांक्षा दुबे को इंसाफ दिलाने के लिए आवाज उठा रहे थे और दिला के रहेंगे। अभी जिस प्रकार वीडियो आया है तो अब देख लीजिए आप लोग, समर सिंह का भी मैंने पुतला जलाया, जलाने का कारण है हम तो भैया जेकर पुतला जलाते हैं तो बर्बाद हो जाता है, बता दे रहे हैं आपको। ये अगर नहीं विश्वास है तो आपका कोई अगर विरोधी विरोधी है तो उसके बारे में बताइए, ऊपर जला देंगे, देखिएगा वो सलाह बर्बाद हो जाएगा। हम लोग स्वतंत्र पत्रकार हैं, निष्पक्षता से बातचीत करते हैं, मुस्कुरा के सवाल करते हैं, हमारा विरोधी कोई नहीं होगा और कोई होगा तो उससे भी हम हमने से माफी मांग लेते हैं, चलो आप ही बड़ा हो। लेकिन अच्छा, इसमें सवाल और आपसे करना चाह रहे हैं, जिस मुद्दे पर बात कर रहे हैं, समर कैसे जो उनके समर्थक थे, समर कैसे तमाम ऐसे जो फैंस थे जो बार बार ये कह रहे थे कि समर सिंह निर्दोष है, समर सिंह निर्दोष है, 3 करोड़ रुपया वो सिर्फ एक प्रोपेगंडा चलाया जा रहा है, उनसे मांग की जा रही है, उनके लिए क्या कहेंगे आप इस वीडियो के वायरल होने के बाद? देखिए, उनके लिए हम यही कहेंगे, देखिए जितने भी समर सिंह के फैन फॉलोवर्स हैं, आसाराम बाबू के बहुत ज्यादा फैन फॉलोवर है, पेलू पंडा निकल गया हूँ, ठीक है, नाम है ना कि भैया मेरे महात्मा गांधी को भी बहुत लोग मानने वाले हैं और बहुत कुछ ऐसे लोग हैं जो नहीं मानने वाले हैं, तो दुनिया में बहुत तरह के लोग होते हैं। तो सही बात है भैया, बहुत लोग पोर्न वीडियो देखते हैं, देखते तो सभी हैं लमसम, तो कुछ लोग छिपा कर देखते हैं, कुछ लोग सरेआम देखते हैं, तो कुछ लोग जो है समर सिंह जी का सरेआम समर्थन करेंगे, कुछ लोग अंदर से समर्थन करेंगे। लेकिन हमारा यही कहना है कि अगर उनका नाम लिया गया, अगर वो मुजरिम साबित होते हैं तो आप लोग भी दूरी बना ले तो बढ़िया है, नहीं तो आप लोग भी आसाराम के श्रेणी में गिने जाएंगे, आप लोगों को भी पेलू पंडा कहा जाएगा। तमाम इसी इंटरव्यू के दौरान मैंने कुछ बात किया था, दोनों कोई फिल्म में काम करने के लिए पहले हम बिस्तर होना पड़ता है, इशारा किया जाता है। समीर चौधरी तो इस फिल्म से, इस दुनिया से बहुत दिनों से जुड़े हुए हैं, क्या जानते हैं इसके बारे में? पूरा लगता है हमें कि हमारे समाज की जो भी मॉडल्स आती है या फिर जो भी कलाकार बनने के लिए लड़कियां आती हैं, तो यहाँ पे सही बात है कि लोग मतलब सेक्स के चक्कर में इतना पागल रहते हैं ना कि उन लोगों को बोलते हैं कि भैया पहले कॉम्प्रोमाइज करो, तो ये करो तो वो करो, तो कहीं ना कहीं बुरा लगता है। और इसमें क्या होता है ना कि लड़कियों को लालच दे दिया जाता है, तुमको स्टार बना देंगे, तुमको पैसा से निहा देंगे, तुमको
सुपर स्टार बना देंगे, तुमको ये कर देंगे, अपने औकात नहीं है किसी को करने की। हाँ, तो ये हम सभी कलाकारों के बारे में बोल रहे हैं, जितने भी बड़े से लेके छोटे तो नहीं है, बड़े बड़े जितने कलाकार है सब पेलू पंडा है लोग, ठीक है, सब का सब सुपन करने वाले लोग हैं। इसमें हम नाम देने की जरूरत नहीं समझेंगे, क्योंकि आप लोग दुनिया समझ सकते हैं कि जितने भी हैं सुपर से ट्रेन से लेके जितने भी कलाकार हैं सब इसी तरीके के लोग हैं। अगर ये नहीं है तो इनके नीचे वाले मैनेजर हैं, इनका इनको धरने चाटने वाले लोग जो हैं, ये सब अगले को शोषण करते हैं। तो आ जाओ, तुमको हम फलनमा गाना में काम दिला देंगे, फलनमा के साथ एक बार दे दो हमको, खुश कर दो, ये करो, मतलब खुश कर दोगी तो तुमको बहुत कुछ मिल जाएगा। खुश करने का मतलब समझे, 2 मिनट का तो खुशी होता है, टपा टप हो गया। तो भैया मेरे उससे क्या होता पता है, उस जो लड़की है ना वो अब आईने में अपना शक्ल नहीं देख सकती है, और कामयाब होने का चक्कर रहता है तो लोग को लगता है कि चलो जितना जल्दी आए हैं, गार्जियन को भी मतलब गार्जियन प्रेशर देता है ना कि नहीं कुछ करोगी बनोगी तो शादी कर देंगे, ये करेंगे, और लड़की है कि कामयाब होने के लिए मजबूरन इस तरह का करने पे मजबूर हो जाती है। बिल्कुल, लड़कों का भी शोषण किया जाता है, पैसे की डिमांड की जाती है काम करने के लिए, एल्बम में से लेकर के। अच्छा, तो ठीक है समीर जी, हमें समय देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम बातें पर आपने अपनी बेबाकी से अपनी बात रखी, हालांकि आपके पास बैटरी ना होने की वजह से इनसे हमारी पूरी बात नहीं हो पा रही है, वक्त मिलेगा तो फिर और तमाम मुद्दे पर बात करें। और इतना समय देने के लिए समीर जी आपका बहुत बहुत हमारे साथ जुड़ने के लिए।